Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। बेटी अपराजिता, तुम असंभव को संभव बनाने जा रही हो। तुम्हें सावित्री बनकर परीक्षा देनी होगी। बेटी, क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? जी गुरुजी। हर हर महादेव। मेरी दिव्य दृष्टि के अनुसार अक्षय इस समय बहुत ही ठंडी जगह पर है। उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें उस स्तर तक पहुंचना होगा, वैसा ही महसूस करना होगा जो इस समय अक्षय महसूस कर रहा है। ये सब करते हुए नहीं देख सकते। सोचिए आपको कितना पेन होगा, कितनी तकलीफ होगी आपको। हाँ माँ, आप प्लीज इस बर्फ पे मत चढ़िए। तकलीफ तो सिर्फ शरीर को होगी ना बेटा, हमारे निश्चय को नहीं, हमारी साधना को नहीं। हमें किसी की जान बचानी है। अब चाहे हम चलें पिघलें, हम तुम्हारे पापा को और इनके बेटे को वापस लेकर आएंगे अम्मा। बेटा तुम दिशा के पास जाओ, उसकी मदद करो। अरे बच्चे लोग हटो। वो रहा ट्रक। आशु जल्दी चेक कर। इस पे दूसरा नंबर है, है ही नहीं जो हमने उस सीसीटीवी फुटेज में देखा था। मतलब पापा इसमें भी नहीं है। ट्रक की बैक सीट में नंबर प्लेट पर है, उसे चेंज करना मत भूलना। करेंगे अब, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है दी, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। भोलेनाथ आप ही कुछ कर सकते हो। अशु चल।
आशु कुछ गड़बड़ लग रही है, एक बार गाड़ी का नंबर प्लेट चेक कर। पापा इसी ट्रक में। रुक जा। ए रुक, गाड़ी रुक। ए, पढ़ो तुम लोग, पढ़ो काम कीजिए। बता दे अभी कौन है। आशु तुझे काम कर, जल्दी से अंदर जा और सबको बोल दे कि हमें फ्रीजर ट्रक मिल गया, तब तक मैं देखती हूँ ये ट्रक कैसे हिलती है यहाँ से। अहो भाग्य बेटी, महादेव की कृपा से तुम्हारा तप सफल हुआ। आज तक इस तप को निर्विघ्न रूप से कोई पूर्ण नहीं कर पाया था, परंतु तुमने कर दिखाया बेटी। बेटी, तुम्हारी इस कठोर तपस्या के कारण अक्षय मिल तो गया, लेकिन उसके जीवन पर अब भी अनिष्ट की छाया बनी हुई है। संकट अभी टला नहीं है बेटी। ये बात तुम याद रखोगी। नहीं पता ऐसे ये किसका हाथ पकड़ रहा है। याद है हमको, इस वक्त अक्षय जिंदगी और मौत के साथ लड़ रहे हैं, और अब भी तुम्हारे दिमाग में यही सब चल रहा है। अभी ये जिस हाल में है, जिसने ये हाल किया है अक्षय का, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें पता है इनका ये हाल किसने किया है? वीर ने। बस तुम मानने को तैयार नहीं। पर एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी, फिर तुम क्या, पूरी दुनिया मानेगी। झूठ की आयु बहुत लंबी नहीं होती ना मोहिनी। अविधि आप प्लीज रोइए मत, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हे माता रानी, मेरे अक्षय की जान बचा लो। प्लीज मत, सब ठीक हो जाएगा। आप ही अभी हम सबसे इतना क्लोज आए थे, उन्हें कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पापा, I want him back. He'll be fine. पापा का सिर्फ एक कॉल का वेट करते करते हमारी क्या हालत हो जाती थी। अब वो नहीं होंगे तो मर ही जाएंगे। सुविधि, क्यों ऐसा बोल रही? कुछ भी नहीं होगा पापा को, I promise, कुछ भी नहीं होगा आशु पापा को। क्या कहा तुमने पापा? पहली बार तुम्हारे मुंह से पापा निकला है, पर क्या फायदा? पापा ने तो सुना ही नहीं।
माँ, अब कुछ कीजिए ना, कुछ भी करके पापा को वापस ले आइए प्लीज। अगर आपके तब से हम उन्हें फ्रीजर से बाहर ला सकते हैं तो उन्हें बचा भी सकती हैं माँ। हेलो पापा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो अक्षय अंकल को अब कभी रिवाइव नहीं कर सके। मतलब वो कोमा से बाहर अभी आ ही नहीं सकते, मतलब किसी को पता ही नहीं लगेगा कि ये सब उनके साथ किया किसने। और मुझे भी पता चल गया कि उस अपराजेता को वो वीडियो किसने भेजा था। किसने? वो रितिका की एक बहन थी ना, दीपिका, उसने भेजा। उन दोनों बहनों को जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए था मुझे, गलती होगी। अब गलती ठीक करने का टाइम है। ये लोग जब तक हॉस्पिटल में फंसे तब तक उस दीपिका को ठिकाने लगाना पड़ेगा। नहीं, तुम अभी कुछ नहीं करोगे। हमें को दोष क्यों दिया जाता? क्यों हर बार हमें पर उंगलियां उठाई जाती? हर बार हमारी गलती कैसे होती? 15 साल पहले आप हमको छोड़कर चले गए तो सबने हम पर उंगलियां उठाई कि एक पत्नी होकर हम आपको रोक नहीं पाए, अपने पास नहीं रख पाए, और आज भी हमें को दोष दिया जा रहा है कि हम आपको बचा नहीं पाए। ऐसा क्या करें आप? क्या करेंगे आप रामचंद्र? अम्मा का विश्वास है कि अगर हम अपने मांग में सिंदूर लगाएंगे तो आपकी आयु लंबी हो जाएगी। आज हम देखना चाहते हैं कि अम्मा के विश्वास में कितनी ताकत है। सिंदूर है हमारे पास, आज हम फिर से अपनी मांग भरेंगे। हमारी इतनी परीक्षा क्यों ली जाती? आज हम फिर से अपनी मांग भरेंगे। अब देखते हैं कि आप वापस आएंगे या नहीं। अगर आप वापस नहीं आए तो अम्मा का भरोसा, उनका विश्वास, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हम मान लेंगे कि विश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती।
लो पढ़ ली हमने अपनी मां का। अब आपको वापस आना पड़ेगा अम्मा के लिए। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हम बताओ ना, मैं यहां कैसे आया? कौन थे वो लोग? वो औरत? टेल मी अप्पू, मैं मिस्टर सिंह, क्या आपको ये याद है कि आज की डेट क्या है? आज दिन क्या है, साल कौन सा है, कुछ सोच के बता सकते हैं आप? छवि 2000 में पैदा हुई थी, तीसरा बर्थडे मना रहे हम तो 10th January 2003 है ना वो? छवि के बर्थडे के बाद मैं यहाँ कैसे आ गया वो याद नहीं आ रहा है मुझे। इसका मतलब पिछले 20 सालों में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में इनको कुछ याद ही नहीं है। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर सिंह, आपका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, आप बेहोश हो गए थे, आपको आराम करना चाहिए, सो के उठने के बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ लेकिन लेकिन आपको मैं मतलब अक्षय बिट्टी के सिवा किसी को पहचान नहीं रहा है। हाय ये क्या हो रहा है? गुरुजी आपने तो अक्षय को मौत के मुंह से निकाला है, अब ये कौन सी मुसीबत आ गई है उस पे? इनकी महिमा यही जाने, जो हुआ वो अच्छा हुआ और जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा, इसलिए अक्षय अपना आज भूल के 20 साल पहले चला गया। हम कुछ समझे नहीं गुरुजी। कुसुम लता, अक्षय कुछ भूला नहीं है, बल्कि भूला हुआ समय उसे याद आ गया है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। बोलिए अपराजिता के साथ मिलकर क्या काला जादू किया है मेरे अक्षय पर? सब भूल क्यों जाते हैं कि अपराजिता अक्षय की पत्नी थी, मैं अक्षय की पत्नी हूं। साजिश करके पति पत्नी को अलग करने का हक किसने दिया आपको? कोई नहीं, दिमाग तो खराब नहीं हुआ तुम्हारा? पूरी ऐसी बातें कर रही हो बेटी, समय बड़ा बलवान होता है। हमारी नीति हमारे विरुद्ध न साजिश करती है और न ही हमें सजा देती है, बल्कि हमारे कर्म आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। जब जब जो होना है तब तब वो होगा, उसे न मैं रोक सकता हूं, न तुम रोक सकती हो, न विधि का विधान रोक सकता है। ये क्या पहेलियां बुझा रहे हैं आप? सब क्यों नहीं बोलते? मॉम, डॉक्टर आप सबको अंदर बुला रहे हैं, चलो मॉम। मैंने इंजेक्शन दे दिया, अभी आराम से 7-8 घंटे सोएंगे, पर याद रहे जब इनकी आंख खुले तो आप इनके सामने होनी चाहिए, और ये आज ही नहीं आपको अगले कुछ दिनों तक इवन आफ्टर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी करना है। अगर इनके आसपास रहने से मेरे पति ठीक हो जाते हैं तो ये मेरे घर आके रह सकती है।
अब इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना अपराजिता। चुप क्यों हो बिट्टी, कुछ तो बोलो। घर आ जाओ अक्षय की देखभाल करने के लिए। नहीं अम्मा, हम उस घर में नहीं आ सकते। उस घर में हमने अपमान के बहुत घूंट दिए हैं, और ये हमारा अभिमान नहीं, हमारा स्वाभिमान बोल रहा है। तुम ठीक कह रही हो बेटी, एक माँ का स्वाद आड़े आ रहा है। अम्मा, अक्षय को अगर हमारी जरूरत है ठीक होने के लिए, तो हम उनका ख्याल रखेंगे, लेकिन उस घर में आके नहीं। अक्षय को हमारे घर आना होगा। मम्मा, हम 2023 को 2003 कैसे बनाएंगे? कुछ तो करेंगे बेटा। साल नया ही होगा, पर कैलेंडर पुराना। लोग वही होंगे, पर कहानी नहीं। या यूं कह लो कि वही पुरानी कहानी फिर से दोहरानी पड़ेगी। और हम सब, उन्हें तो पता ही नहीं हम सब इतने बड़े हो गए हैं। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? कहाँ जाएंगे मतलब? वही रहोगे उसी घर में, कहाँ जाओगे? बस उनके सामने नहीं आना ना, नहीं आएंगे। वो हमारे कमरे में रह लेंगे और हम बाहर हॉल में। और तुम लोग हमारे साथ हो ना, हम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं। अभी तो हमारा लक्ष्य है, बस उसी पर ध्यान देना मन से। वो कहते हैं ना, मछली की आंख को देखो। हमें बस मछली की आंख को देखना है। हाँ मम्मा, मैंने भी सुनी है वो फोकस वाली स्टोरी। पर माँ, हम उन्हें ऐसे कैसे अपने घर में रुकने देंगे? उनका घर तो हमारे बगल में ही है ना, हम उन्हें क्या बहाना देंगे? अरे ये बोल देंगे ना कि रेनोवेशन का काम चल रहा है। हाँ, हम वो सारी चीजें हटा देंगे जिसमें 2023 लिखा होगा, या 2003 के बाद की कोई भी डेट लिखी होगी। जैसे अब न्यूज़पेपर्स हटा देंगे, बिल्स हटा देंगे, मैगजीन्स हटा देंगे, सब क्लियर कर देंगे। मम्मा, आप टेंशन मत लो, हम सब घर जा रहे हैं ना, सब सेट कर देंगे। मम्मा, वैसे हम दोनों का कॉम्बो कितना अच्छा है ना। मैं जीनियस, आप ब्रेव। I'm so proud of you. For God's sake, control your thoughts, Mohini. गुस्से में सचमुच कुछ ऐसा कर दिया अपराजिता के साथ, तो अक्षय की मेमोरी वापस लाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे मम्मा, हम एक बात कहें, पापा आपसे कितना प्यार करते होंगे। हमने देखा, जब तक वो सोए नहीं ना, तब तक उन्होंने मम्मा का हाथ नहीं छोड़ा। 20 साल पहले आई एम सॉरी मम्मा, हम सब आपके साथ हैं। डिस्चार्ज के पेपर यार भाई, तुम अकेले ये काम आ गया तुमको? जिंदगी ने सब सिखा दिया। वैसे यहाँ पे पैसे बहुत लगे होंगे ना, पैसे थे तुम्हारे पास? अब सब कुछ आपको यही जानना है, घर चल के बात करेंगे ना। मैम, आपके हस्बैंड तो आपके बिना हाथ भी नहीं लगाने दे रहे हैं।
देखो ना कैसी बातें करी। मैं तो बुनार से ना। वो कब से मेरा शर्ट उतरना चाह रही है मलम लगाने के लिए। तुम आ गए तुम उतार दूं। हम अब तो तुम तो ऐसे रिएक्ट करे जैसे आज से पहले मुझे बिना शर्ट के देखा ही नहीं तुमने। हरित पर आप तो हॉस्पिटल में है ना तो यहाँ तो वो लगाएगी ना। वो नहीं लगाएगी। प्लीज ये जो करना जल्दी करो मुझे यहाँ से बाहर निकालो मेरी इज्जत खाते हो। चलो प्लीज कर दो ना जल्दी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? शर्ट निकालिए। शर्ट वो नहीं निकालेगी शर्ट। हम के आप खोलिए फिर। अच्छा हम करते। पप्पू तुम उस पर गिर के पड़े थे बहुत बहुत देर तक। अरे मम्मा क्या हो गया? व्हील चेयर पर कैसे आ गए? आप सब ठीक है? वो तुम्हारे एक्सीडेंट का सुना तो जल्दी जल्दी भागने में सीढ़ियों से गिर पड़े ना इसलिए कल नहीं आ पाई थी। सीढ़ियों से गिर गया? वो बताया नहीं तुमने यार सीढ़ियों से अम्मा गिर गए तुम। वो हमने ही बोला था बिट्टी को ना बताए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना और हम चलने फिरने लगेंगे बिट्टी से कुछ ना कहो। बिट्टी को कुछ मत कहना बटन बंद करो मेरे। बिट्टी 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 जब देखो बिट्टी मतलब मैं तो कुछ हुई नहीं ना। हाँ जिस दिन आपकी बिट्टी और मेरा झगड़ा हो गया ना उस दिन आप दोनों एक टीम बन जाओगे। मैं घर से बाहर निकाल देगी बुढ़िया मुझे घर से बाहर। जो तुम कर रही हो ना बिट्टी वो करने के लिए जिगर चाहिए जिगर। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे हमने जब भगवान ने तुम्हारे जैसे बहू दी हमें। अरे मनीष नहीं है? मनीष याद है अक्षय को? फिर मोहिनी कैसे याद नहीं? या कहीं मोहिनी भी तो याद नहीं आ गई इसे? अगर ऐसा होता तो अक्षय बिट्टी के साथ इतने आराम से बात नहीं करता। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सारा काम हो गया ना? जी। पेमेंट हो गया सबका? कोई रह तो नहीं गया? थैंक यू। आप लोग ना ये पीछे के रास्ते से जा सकते हैं। दूसरे घर वाली बात तो अक्षय ने मान ली लेकिन छोटी छवि पता नहीं उसका कोई हल निकला कि नहीं। मॉम रिलैक्स कम डाउन रिलैक्स। ये सब डैड के लिए तो कर रही हूँ। मम्मा जितने आप इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए उतने ही डैड भी तो हैं। और ये सब मैंने उनकी हेल्थ के लिए तो किया इसीलिए मैंने अब्बू आंटी के साथ ये सब प्लान किया। नोनिया मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ ही नहीं तभी तो तुम अप्पू आंटी के साथ मिलकर ये सब कर रही हो। यू हैव नो आइडिया मुझ पे क्या बीत रही है। मामा ऑफ कोर्स पता है मुझे। इनफैक्ट जैसे मैं आपका पेन अब फील कर पा रही हूँ ना मैंने पहले कभी किया ही नहीं है।
पर मम्मा आप भी तो समझो, इस समय डैड की जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी हो सकता है क्या? बॉब उन्हें हम याद भी नहीं है। अगर हम उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे, इफ वी टेक केयर ऑफ हिम, उन्हें सब याद आ जाएगा, सब कुछ। एंड जस्ट फॉर दैट होप मॉम, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। कौन है? गुगु। गुगु मालिका का क्या पोता है, गांव से अभी अभी आया है। लक्ष्मण काका का पोता? ज्यादा गोरा नहीं है? मतलब लक्ष्मण काका तो परदादा पे गया है। इसके परदादा को भी आप जानती थी? सारे खानदान को जानती हूँ। चलो चलो। अम्मा उन्हें कोई छोटी बच्ची ढूंढी होगी ना, बच्ची अंदर नहीं हुई तो। छवि थी, ये आप क्या कर रहे हो? बड़ी मुश्किल से ये छोटी छवि मिली, मैं बड़ी छवि को कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे? यहीं पर रहो। हाय हाय, मैंने ना पिक्चरों में देखा है हीरो की आधी आदत चली जाती है और आधी रह जाती है। मैंने सुना अक्षय भाई साहब के साथ भी ऐसे हुआ। हाय, उन्हें अप्पू के अलावा अपने बच्चे याद ही नहीं है। हाय मेरा पुत्र है ऐसा ना। और रुक के यारा, हमने बोला था दो दो चॉकलेट होगी। अरे रुक जा यारा, बड़ी शैतान कुड़ी है। और रुक जा छवि दी। अरे इस फोटो में जैसे आप दिख रहे हो ना, ये बच्ची एग्जैक्टली वैसे दिखती है। पप्पी आंटी, प्यारी सी बच्ची है कौन? ये ना मेरे भाई की बेटी है कियारा। वो मेरे पटियाला वाले भाई साहब है ना, वो ना भाभी के साथ घूमने गए बेंगलोर और इसको ना मेरे पास छोड़ के गए, कहते इसका ध्यान रखी। अच्छा हाँ। ये तो बहुत क्यूट है, ये तो एकदम छवि दी के जैसे दिखती है ना। आशा, आशा कौन है ये घर के अंदर? आशा छवि को ट्यूशन पढ़ाने आती है। मुझे नहीं बनना, मुझे सिर्फ चॉकलेट खानी है। हॉस्पिटल में भी थी कल। हाँ, आपको देखने आई थी। ऐसे छवि सिर्फ 3 साल की अपू, इसे अभी ट्यूशन की जरूरत शायद है नहीं। वो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की है ना, वो तो हमको लगा कि छवि इसके साथ रहेगी तो। और इस जीनियस ने तुम्हें माँ कह के क्यों बुलाया? अभी अभी मासी बुलाया, ठीक रही थी ना इसीलिए वो माँ लगा, पर मैं मासी कह रही थी। अभी अभी अस्पताल से आए हो, जरा आराम करो। ये है हमारा कमरा। आपका कमरा? बस छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है, कोई खूंखार बीमारी थोड़ी हुई है कि मुझे अपने आप से दूर करियो तुम।
नाराज हो? कुछ कह दिया है जो नहीं कहना चाहिए था? या कुछ नहीं कहा है जो कह देना चाहिए था? अच्छा बता दो नाराजगी की वजह, यूं ठीक कर दूंगा। अब तो आपसे नाराज होने की कोई वजह भी नहीं बची। क्या नहीं नाराज? हम नाराज नहीं। साबित करके बताओ। करीब आके आंखों में आंखें डाल के जिसे पहली मुलाकात में मुझे मुझसे छीन लिया था, नहीं कर पा रहे अम्मा ये सब। नहीं होगा हमसे ये सब। आपके बेटे की याददाश्त चली गई है लेकिन हम तो नहीं भूले हैं ना अम्मा। हमको सब याद है ना, वो सारा बुरा याद है जो आपके बेटे ने हमारे साथ किया था। हम सब इसलिए बुलाते हैं क्योंकि जिस इंसान ने हमारे साथ बुरा किया था वो सब कुछ भूल चुका है। कैसे जी लेंगे वो जिंदगी जो हम नहीं जीना चाहते, जो हमारी हमारे जहन से हमारी जिंदगी से वो सब हट चुका है, वो कैसे जी पाएंगे? अब हम कैसे कर लेंगे बताइए आप? कैसे वो बनकर उनका ख्याल रखेंगे जो हम हैं ही नहीं? नहीं कर पाएंगे अम्मा, हम नहीं कर पाएंगे। गुरु जी कहते हैं ना बेटी, उनके खेल निराले ही हैं। क्या पता तुम्हारे नसीब में क्या लिखा है। तुम भोलेनाथ को मानती हो ना? शिव को विनाशक इसलिए कहते हैं क्योंकि एक नई संरचना करने के लिए पुराने का नाश हो करते हैं। हम में से किसी को मालूम नहीं कल क्या होने वाला है, तो कल की चिंता क्यों करना? जो हो रहा है वो होने दो बेटी, हमें सिर्फ तुम्हारी खुशी देखनी है। पर खुशी कहाँ है अम्मा? कौन खुश है बताइए? बच्चों को छुप छुप के रहना पड़ रहा है, हमको वो बनकर घूमना पड़ रहा है जो हम हैं ही नहीं। और मोहिनी, मोहिनी की हालत देखिए, तड़प रही है वो अम्मा। हम नहीं चाहते अम्मा जो हमारे साथ और हमारी बेटियों के साथ हुआ वो मोहिनी और उसकी बेटी के साथ हो। और ये एक दो दिन की बात है तो कर भी ले, हमको तो पता भी नहीं कब तक चलेगा। कोई कह दे हफ्ता भर करो, महीना भर करो, हम कर लेंगे, पर हमको तो ये भी नहीं पता ना अम्मा। शायद आए और उधर मैं गया, अब मैं और रिस्क नहीं ले सकता पापा। अगर मुझे सेफ होना है ना तो अक्षय को मरना होगा। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि उसकी याददाश्त चली गई है। हॉस्पिटल में तो कुछ नहीं कर पाया मैं, पर अब एक चांस भी मिस नहीं करूंगा मैं। कभी तो अपने बाप की बात माना कर। ये अक्षय है ना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जा, इसके चक्कर में फंस जाएगा तू। अगर कराना ही है ना, अपने इतने आदमी किसी से भी करा लेंगे। नहीं, इस बार मैं खुद करूंगा, उसको घर में घुस के मारूंगा अपने इन हाथों से, और वो भी आज रात को। बेटा जल्दी करो, उनके उठने से पहले ना सारा खाना कमरे में लेकर जाओ और वहीं पर बैठकर खाना। अंदर से कमरा बंद कर लेना, आवाज मत करना, ठीक है? जब वो सो जाएंगे तो हम बताएंगे, तब तुम लोग जूठे बर्तन नीचे लेकर आना। इतना सारा खाना एक साथ लेकर कैसे जाओगे? मम्मा वो छवि आ रही होंगी, वो हेल्प कर देंगी। हाँ ठीक है। दादी हमने आपके काम के सारे सामान रख दिए। हाँ माँ, एक तरफ आपका बिस्तर लगा दिया है तो आप वहीं रह जाइएगा। छवि कब आएगी? हाँ आ गई। लो बेटा सारा लेकर जाओ और जल्दी करो। अपू
इधर नीचे कैसे आ गया तू? कौन? कौन सी भाषा में समझाए तुम्हें? हाँ डॉक्टर ने कहा था ना कि यहाँ वहां घूमना नहीं, जा जाओ अभी। ए, अम्मा 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 को बोलने देगा कि नहीं देगा या खुद ही बोलेगा? बोलो, नहीं पहले आप पूरा बोलो, बाद में मैं बात करता हूँ। कौन है लड़कियां? कौन लड़कियां? सिर पे चोट मेरे लगी है, लेकिन दिख रहा है सामने तीन तीन लड़कियां खड़ी हैं। मैं कौन है ये पूछ रहा हूँ मैं तुमसे? ये इधर घुमो। बेटियां हैं, ऑफकोर्स सबको। अब लड़कियां तो जाहिर सी बात है बेटियां ही होंगी, लेकिन सवाल यह है कि ये किसकी बेटियां हैं? अप्पू किसकी? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।